तो आज हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानकारी लेने आए हैं कि दिशाओं के हिसाब से उन्हें कौन कौन से पौधों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी दिशा में कौन सा पौधा लगाया जाता है, वो सब हमें आप बताएं प्लीज। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के समय पर गार्डन का क्रेज काफी बढ़ रहा है। शहरों में लोग अपने घरों में खूबसूरत गार्डन बना रहे हैं, लेकिन जितनी जानकारी हमें गार्डनिंग के दौरान पौधों की होनी चाहिए, उतनी ही जानकारी हमें इस चीज की भी होनी चाहिए कि कौन सी दिशा में कौन सा पौधा रखना चाहिए। यानी दिशाएं बहुत मैटर करती हैं आपके पौधे की लाइफ को लेकर। आप इसे वास्तु कहिए, साइंस कहिए, या हम कहें कि हमें पौधे की धूप के अनुसार उसकी दिशाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी आज हम लेने वाले हैं प्लांट स्टाइलिस्ट अजय जी से, जिनकी दो पीढ़ियां इसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। पौधों का गहन अध्ययन उनके पास है, बहुत अच्छी जानकारी लेते हैं, लोगों के घरों में वो गार्डन भी डिजाइन करते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम मिलते हैं अजय जी से और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले, यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार अजय जी। नमस्ते। तो आज हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानकारी लेने आए हैं कि दिशाओं के हिसाब से उन्हें कौन कौन से पौधों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी दिशा में कौन सा पौधा लगाया जाता है, वो सब हमें आप बताएं प्लीज। बिल्कुल। जो कोई भी न्यू गार्डनिंग शुरू कर रहा है, उसका शौक खराब ना हो, अगर वो आपकी बताई हुई बात से, दिशाओं के हिसाब से अगर चलता है, उसके प्लांट कभी खराब नहीं होंगे। वो कभी भी नर्सरी वालों को तो दोष नहीं देंगे कि उनके कहने से प्लांट ये खराब हो गया, क्योंकि जब दिशाओं को और जगह आप बताएंगे कि आप नॉर्थ बैल्कनी में जहाँ बिल्कुल नहीं आती, आप मुझे भैया वहाँ प्लांट रखने, वैसे प्लांट दिखाओ। अभी हम उन प्लांट्स का मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन से प्लांट है जो नॉर्थ बैल्कनी में आप रख सकते हैं, जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है, वहाँ कौन से प्लांट रखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सन ऑफ इंडिया प्लूमिला प्लांट, बोटैनिकल नेम इसका ये है। हम कॉमन स्टेट वाइज नेम जो प्लांट के हैं वो बताना आपको शुरू करेंगे। शफलेरा प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट है, कलरफुल लीफ इसकी ये देख सकते हैं, वेरीगेटेड येलोइश है, ये आप रख सकते हो। इसमें चपाम रख सकते हो, सीलम प्लांट रख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जो नॉर्थ बैल्कनी में प्लांट आपके आते हैं, वही सेम प्लांट आप कम्प्लीटली इंडोर भी रख सकते हो। तो ये प्लांट नॉर्थ बैल्कनी के लिए एक, ये इसमें वैराइटियाँ हैं। फॉर्न रख सकते हो, फॉर्न ग्रीन वाली फॉर्न है, वेरीगेटेड फॉर्न है, ये रख सकते हो। ये सिंगोनियम प्लांट है, एरो प्लांट्स के नाम से जानते हैं। स्नेक प्लांट है, बेस्ट ऑक्सीजन प्लांट है, और इस प्लांट को सभी जानते होंगे। इसका स्टेट नेम मदर इन लॉस डंग है, क्योंकि जब भी किसी को ये नाम बोलते हैं हंसी आ जाती है चेहरे पे, क्योंकि मदर इन लॉस डंग के नाम से जानते हैं, स्नेक प्लांट बोलते हैं। फिलोडेंड्रोन है, मिनी जनाडू जिसे कहते हैं हम, ये बहुत ही प्यारा चलता है। ये मनी प्लांट है, ये आप आराम से रख सकते हो, बहुत अच्छा चलता है, वेरीगेटेड है, ये रख सकते हो आप। फिलोडेंड्रोन की कोई भी वैरायटी लो, मोनेस्टेरा में रखिए आप, सीलम में रखिए, फिलोडेंड्रोन बहुत प्यारी प्यारी वैरायटीज़ हैं। आप ये देख सकते हैं, ये भी फिलोडेंड्रोन है। एरो प्लांट वेनलैंडी बोलते हैं इसे, वेरीगेटेड है, ये रख सकते हो आप। अभी ड्राइसीना रख सकते हो आप, ड्राइसीना कॉम्पैक्टा बहुत ही प्यारा चलेगा उस जगह के लिए। फॉर्न है, कैक्टस की भी कुछ वैरायटियाँ चल जाती है, क्योंकि ओपन में होता है, चल जाती हैं वहाँ पर हार्डी होने के कारण। और भी मैं आपको दिखाऊंगा, ड्राइसीना है, ड्राइसीना की सभी वैरायटियाँ बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से चलती हैं नॉर्थ बैल्कनी के लिए। और आइए मैं और दिखाना चाहूँगा, सक्युलेंट रख सकते हो, सक्युलेंट भी चल जाते हैं उस जगह। ये फिलोडेंड्रोन है, मूनशाइन बोलते हैं इसे। एग्लोनिया में स्नो वाइट है, बहुत प्यारा चलता है, इसमें सारे कलर बहुत प्यारे चलते हैं नॉर्थ बैल्कनी में। पाम के अंदर वाइल्ड वैरायटी है, शॉर्ट वैरायटी है, चामंडोरा बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है वहाँ ये लगा हुए तो आप। और इसमें आप ये देख सकते हैं, सीलम की नई नई वैरायटियाँ हैं, जनेडू हैं, बहुत प्यारे चलते हैं अभी। बस एक ये ध्यान रखना है आपको, विंटर्स में इन्हें एक्सेस वाटर नहीं करना। नॉर्थ बैल्कनी में जब भी आप जो भी प्लांट रख रहे हैं, एक्सेस वाटर बिल्कुल नहीं करना टिल वो पूरा ड्राई जब तक नहीं हो। आप हाथ लगा के देखिए, मॉइस्चर है, बट इतना मॉइस्चर रखना है आपको, एक्सेस वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। समर्स में ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, हो सकता है ट्वाइस अ डे आपको देना पड़े, क्योंकि नॉर्थ बैल्कनी में सर्दी में, विंटर्स में जहाँ सनलाइट नहीं आती, बट समर में थोड़ी बहुत वेस्ट की ज़रूर आती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ईस्ट बैल्कनी में कौन कौन से प्लांट चलने वाले हैं। जहाँ ईस्ट बैल्कनी में ऐसे वो कौन से प्लांट हैं जिन्हें रखकर हम उसको एंजॉय कर सकते हैं और वो प्लांट हमारे मरे भी ना, तो ऐसे वो कौन से प्लांट हैं उसकी बात करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको नॉर्थ बैल्कनी में प्लांट दिखाए थे, उसमें से 80% प्लांट ईस्ट बैल्कनी में चल जाते हैं, क्योंकि 12 बजे तक की सनलाइट होती है, प्लांट का फोटोसिंथेसिस हो जाता है और प्लांट बहुत अच्छे से चल जाते हैं। कुछ सीजनल प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे चल जाते हैं। अच्छा, सक्युलेंट की बात करें तो सक्युलेंट में सारी वैरायटियां ईस्ट बैल्कनी के लिए दी बेस्ट बताऊंगा मैं आपको, आप इनफैक्ट समर में भी रख सकते हो। स्नेक प्लांट, अगेन स्नेक प्लांट है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये टेबल टॉप के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। मैं बताना चाहूँगा सभी को, जो लोग न्यू गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं,
वो इस प्लांट को रखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही शांति देने वाला ये प्लांट है और बहुत बहुत इसके बेनिफिशियल हैं इन सब प्लांट को रखने के। ये नासा अप्रूव्ड प्लांट है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रिलीज करता है। ज़रूर से ज़रूर रखो इस प्लांट को, कम केयर में बहुत अच्छा चलता है। फॉर्न की सभी वैरायटी चल जाएगी। यूका प्लांट है ईस्ट बैल्कनी में, बहुत प्यारा चलता है। लॉलिना प्लांट है, ये रखिए आप ईस्ट बैल्कनी में, बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह से देखिए आप दो छोटे लॉलिना लगा देते हैं छोटी ट्रे में, तो आपका ये टेबल टॉप भी बन जाता है। और ऐसे में आप अपनी बैल्कनी में ये सब हैंगिंग्स वगैरह लगा सकते हो। कैक्टस की सभी वैरायटियाँ चल जाती है बहुत इजीली। ये कैक्टस में एगेव वैरायटी है, आप ये देख सकते हैं, बहुत प्यारा प्लांट है। और सनलाइट में आप इसे आराम से रख सकते हैं, ईस्ट बैल्कनी में 12 बजे तक की जो सनलाइट होती है उसमें बहुत प्यारे चलते हैं ये सभी कैक्टस। इन्हें आप ज़रूर रख सकते हैं, जिस किसी को भी कैक्टस से प्यार है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि कैक्टस जो है वो नेगेटिविटी लेके आते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके जहन में आ जाता है, चाहे वो तुलसी प्लांट ही क्यों ना हो, अगर आपने सोच लिया कि वो अनऑस्पिशियस है तो वो आपको फिर रखना ही नहीं चाहिए। और अगर आपके मन में नहीं आता, मैं कहता हूँ कैक्टस रखोगे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कहते हैं नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करते हैं, लोग वर्क स्टेशन पर रखते हैं ऑफिसेज में, क्यों ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ज़रूर रखिए, प्लांट कुदरत ने बनाए हैं तो कुछ सोच के ही बनाए होंगे और वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होंगे। ड्राइसिना बहुत अच्छा ऑप्शन है ईस्ट बैल्कनी में रखने के लिए, आप ये देख सकते हैं। आइए मैं आपको पाम दिखाता हूँ। पाम में देखिए, पाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपने ईस्ट बैल्कनी में रख सकते हो, बहुत ही सुंदर चलते हैं ये सभी पाम। ये पाम के अंदर जैसे वाइल्ड वैरायटी होती है, ये शॉर्ट वैरायटी है, ये ज़्यादातर सोफे के बगल में लोग रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं करते, वाइल्ड ग्रो नहीं करते। तो आपके गेस्ट आते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये एक जगह ही कॉम्पैक्ट होकर बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी वैरायटी है। जो सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं जो गार्डनिंग को पसंद करते हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो भी अपने प्लांट इंडोर आप रखते हो, देखिए ऐसा आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा सभी वीडियोज़ में, कोई भी प्लांट इंडोर नहीं होता। जी हाँ, इंडोर नहीं होता, बट हम उसने कुछ टाइम के लिए घर की सुंदरता के लिए हम इंडोर रखते हैं, क्योंकि आज हम प्रकृति को समझने लगे हैं। हम प्लांट को अंदर बाहर जरूर करते रहें, वीक में एक बार अगर आप रख लेते हैं तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस हो जाता है। अपनी ईस्ट बैल्कनी में उठा के बस आप रख दीजिए, 12 बजे तक की लाइट मिले, और फिर अंदर रख लीजिए शाम के टाइम जब सेम टेम्परेचर हो। मई जून में ऐसी बिल्कुल भी गलती मत करना कि आप इसे आफ्टरनून में उठा के बाहर रख दें और आफ्टरनून में ही अंदर रख लें, क्योंकि मई जून का टेम्परेचर आप देखोगे तो घर के अंदर का अलग होता है। ठीक है, कईयों के घर में एसी भी चल रहा होता है तो टेम्परेचर शॉक लग जाता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। सेम टेम्परेचर में प्लांट मॉर्निंग में निकालना है, सेम टेम्परेचर में 7 बजे आपको घर में रख लेना है। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस किसी की भी ईस्ट बैल्कनी है या ऑप्शन ही ईस्ट बैल्कनी है तो वो लोग क्या क्या रख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इंडोर में दिखाया, आउटडोर में आप सीजनल फ्लावर गजेनिया ये रख सकते हो, आप प्रिमूला रख सकते हो। ये 12 बजे तक की लाइट इनको मिलती है, बहुत ईजिली ये प्लांट चल जाते हैं। आप ये रेनिकुलस देख रहे हैं, ये भी चल जाते हैं। जैस्मिन है, एरोमेटिक प्लांट है, ये बहुत खुशबू देते हैं। इन्हें घर के बैल्कनी के कॉर्नर में अगर आप लगाते हैं तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम अपनी बैल्कनी में आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, इसकी जो मध्यम खुशबू आती है वो बहुत ज़्यादा एक हीलिंग का काम करती है, और ये ज़रूर लगाना चाहिए। ये स्टार जैस्मिन बोलते हैं हम इसे, और जैस्मिन की जो भी वैरायटी होती है आप ज़रूर बैल्कनी में, मैं चाहूँगा सब लोग ज़रूर लगाएँ, क्योंकि एक बहुत अच्छा, एक इसे योग समझिए, मेडिटेशन समझिए, ये बहुत अच्छा प्लांट है लगाने के लिए। मोर पंखी आप लगा सकते हो, मोर पंखी आप ये देख लीजिए, ये लगा सकते हो। शफलेरा बड़ा लगा सकते हो, फाइकस में, फाइकस की वैरायटी है, फाइकस लगा सकते हो ईस्ट बैल्कनी में। तो इस तरह के प्लांट आप लगा के इंजॉय कर सकते हैं। जब भी आप नर्सरी में आते हैं तो हम यही तरीका होता है, हम आपसे आपके घर की दिशा पूछ के प्लांट सजेस्ट करते हैं, जिससे कि आपका शौक भी बना रहता है और आप निराश भी नहीं होते। प्लांट मरने के लिए मर जो जाता है लोगों का, उनकी ये जो तकलीफें होती है वो दूर हो जाती है, और कस्टमर भी ज़्यादा जुड़ाव करता है ग्रीनरी से। उसके बाद साउथ बैल्कनी आ जाती है, उसमें हम वो कौन से पौधे रख सकते हैं। साउथ बैल्कनी में 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आपकी वहाँ पर खूब अच्छी सनलाइट होती है, और वहाँ पर हमें रखने के लिए सबसे अच्छी जगह साउथ बैल्कनी में फ्लारिंग देने वाले बोगनविलिया हो गए, कलरिंग वाले प्लांट हो गए, सकुलेंट्स हो, कैक्टस हो गए, सीजनल फ्लावर्स हो गए, क्रीपर्स हो गई। साउथ बैल्कनी में इस तरह के जो प्लांट रखेंगे बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो वो ऐसे कौन से पौधे होते हैं वही मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। जेड प्लांट साउथ बैल्कनी के लिए दी बेस्ट है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट आप शेप्स देख सकते हैं, इस तरह से आप भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत इजी होता है इस प्लांट्स को शेप देना। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, और जैसे ये बॉन्जाई आप देख सकते हैं, ये हूप पाइन एरोकेरिया बॉन्जाई है जो 25 ईयर्स ओल्ड है। बॉन्जाइज में वैसे तो बहुत वैरायटियाँ हैं हमारे पास,
बट आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं, कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट है। और ऐसे में आप पाइन की कोई भी वैरायटी रख सकते हो। पाइन की वैरायटी ज़्यादातर शेड में भी चल जाती है, बट आप आउटडोर में रखते हो तो भी बहुत अच्छी चलेगी। उसका चलाने का भी एक तरीका है, जो भी साउथ बैल्कनी में आप प्लांट रखते हो और समर्स का टाइम है, आपको उसकी पत्ती को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पौधे नीचे से खाली होते जाएंगे और ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। जैसे पौधे अपने जो हेयर होते हैं उसके वो छूटने लगते हैं, गंजे से होने लगते हैं प्लांट, वो ना हो उसके लिए आपको पौधे को अच्छे से शावरिंग करना है, अच्छे से नहलाना है, सो देट जो इनके अंदर नमी है वो बनी रहे। और जब नमी बनी रहती है तो प्लांट और अच्छे से चलता है, प्लांट को ऐसा लगता है जैसे वो कोस्टल एरिया में है, उनको अच्छे से उनको पानी मिलता है, जो इनकी वेंस होती है, नसें होती हैं, उनको पानी मिलने लगता है और वो यहीं से ही स्प्राउट करने लगते हैं। तो आप कोशिश कीजिए आउटडोर में जितने भी साउथ बैल्कनी में आपके प्लांट हैं उसकी पत्तियों को नीचे से लेकर ऊपर तक शावर करना, अच्छे से नहलाना है। तो ऐसा आप करने से आपके नीचे से लेकर ऊपर तक प्लांट भरा हुआ आपका रहेगा। आप ये देख सकते हैं इन्होंने पूरी गर्मी निकाल ली है, सर्दी पूरी निकाल ली है, अगेन ये गर्मी, तो ये पौधा बिल्कुल भी कभी भी आप देखोगे खाली नहीं होगा। सेकेंड है पौडा कार्पस है, इस पर सुबह के टाइम बहुत अच्छी अच्छी बर्ड्स आती हैं, बैठती हैं, जो बर्ड लवर हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लांट है। इसकी ब्रांचेस पे बर्ड आके बैठती है, नेस्टिंग करती है, तो बहुत मज़ेदार प्लांट है। ऐसे में ही बोगनविलिया है, ये बोगनविलिया चित्रा बोलते हैं। अभी क्योंकि सर्दी है, ज़्यादा धूप ना निकलने के कारण सारी पत्तियाँ गिर जाती है, वो नेचुरल है। ऐसे अगर आपके घर में भी अगर ऐसे प्लांट हो तो उसे घबराएं नहीं, परेशान ना हो, नर्सरी वालों को भी किसी को दोष ना दें, क्योंकि ये नेचर है। जिस तरह हम भी पूरा एक महीने या पूरे 7 दिन खुश नहीं रह सकते, खुशी सिर्फ हमारे अंदर है कि हम कैसे खुश रहना है हमें, तो वैसे ही प्लांट के भी अप्स एंड डाउन्स हैं, वो चलते रहते हैं। इनसे ही हमें सीख मिलती है कि अपने आप को भी हमें हर कंडीशन में ठीक रखना है, खुश रहना है, स्माइल करते रहना है। अभी जैसे ही स्प्रिंग शुरू होगा 15 फरवरी के बाद से ये पौधा आपको पहचान में बिल्कुल नहीं आएगा, ये पूरा हरा भरा हो जाएगा, पूरे फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। आइए सेकंड प्लांट की ओर चलते हैं, गेंदे का प्लांट है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा खुशबू है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, वो उसके लिए आपको नर्सरियों में आना पड़ेगा। ये देखिए इसके पत्ते को जरा सा रब करते हैं आप, इतनी ज़्यादा खुशबू है। मैं चाहूँगा अंजू जी को एक बार वो बताएं, इसके रब करो थोड़ा सा। अरे हाँ, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है वाकई। मज़े की बात यह है ये प्लांट पूरे साल चलता है। जो जिन्हें मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं वो इस पौधे को जरूर लगाएं, ये एवरग्रीन है, पूरे साल चलता है। दूसरी चीज़ है भर भर के फूल देता है, जो आपको बाज़ार से माला नहीं खरीदनी होगी, यहीं से तोड़ो, भगवान के चरणों में चढ़ाओ और इतनी खुशबू की मज़ा आ जाएगा। और इसी में ही फोनिक्स पाम है, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये प्लांट और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। लैंडस्केपिंग में इस प्लांट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हार्डी होता है, केयर कम मांगता है। जैसे कुछ बच्चे घर में ऐसे होते हैं माँ के, जो सभी कंडीशन में चल जाते हैं, नंगे पैर भी घूमेंगे चल जाएंगे, उन्हें जुकाम नहीं होता, खांसी नहीं होती, वैसे ही प्लांट है, इन्हें कभी भी कुछ नहीं होता। ये कम पानी में बहुत, मतलब आप केयर नहीं करोगे ना चलते रहेंगे ये प्लांट, ये वैसे प्लांट है। ऐसे में पोंग पोंग चंपा है, मैं बताना चाहूँगा इस प्लांट की खासियत क्या है। इसको कलरिंग के लिए लैंडस्केपिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, एक तो ये फ्लावर भी देता है बट फ्लावर से ज़्यादा लोग इसे कलरिंग के लिए ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि गार्डन में क्या होता है जो जी सारे ग्रीन ग्रीन प्लांट हो जाते हैं, तो उसमें कलर इफेक्ट लाने के लिए, आँखों को अच्छा लगे गार्डन, उसके लिए ये प्लांट यूज़ किए जाते हैं। तो आउटडोर के लिए बेस्ट प्लांट है, पिटोसफोर्मा के नाम से इस प्लांट को ज़्यादा जानते हैं स्टेट वाइज। ये प्लांट भी हर कंडीशन में चल जाता है, सर्दी गर्मी सब में इसके हमेशा पत्ते रहेंगे, कभी झड़ता नहीं है। फॉलिएज बहुत अच्छा है, एक कलर लाने के लिए वेरिएशन है इसमें, जैसे येलो शेप देख रहे हैं ये पीला नहीं है, ये प्लांट की ब्यूटी है, ये इसकी सुंदरता है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसका। और इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, अब ये समर में आना शुरू होंगे, उसकी खुशबू होती है, बहुत मध्यम खुशबू है, बहुत अच्छा प्लांट है। इसकी बॉन्साई लोग ज़्यादातर आप देखोगे, हमारे पास भी है, बॉन्साई भी आपको दिखाएंगे। सो गाइस, ये थे हमारे साउथ बैल्कनी के प्लांट्स। आप कभी भी नर्सरी में जा रहे हैं आपको सिर्फ ये पूछना है कि फुल सन में चलने वाले ऐसे कौन से प्लांट हैं, उसका चुनाव फिर आप खुद कर लो। आपको अगर दिखाया गया है कि ये सारे सनलाइट में रखने वाले हैं, अब आपको हाइट वाइज जो प्लांट पसंद आता है कि ये प्लांट मुझे बरगद का पसंद आता है, भैया इसके अंदर 5 फीट का प्लांट है, वो बोलता है आप आँख बंद करके ले लो। ये है साउथ बैल्कनी में 1 से 3 से 3:30 बजे तक की सनलाइट बहुत अच्छी होती है। और बोगनविलिया जिस किसी को पसंद है आँख बंद करके रखें, क्योंकि 3 से 4 घंटे की बोगनविलिया को जब सनलाइट मिलती है तो खिल खिल के बाहर आता है और बहुत अच्छा लगता है।
ऐसे ही हमारी वेस्ट बैल्कनी है, वेस्ट बैल्कनी में भी साउथ के प्लांट चल जाते हैं, तो साउथ और वेस्ट हमारी एक ही होती है, उसमें आप ये दोनों जितने भी प्लांट आपको दिखाएं आप रखिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपनी चारों दिशाओं के हिसाब से प्लांट्स की जानकारी ली कि कौन सी दिशा में हमें कौन सा पौधा रखना चाहिए जिसकी वजह से आपका पौधा लंबे समय तक सर्वाइव कर सके, जिस पौधे को जितनी धूप मिलती है उस दिशा के हिसाब से उसे वो धूप वहां पर मिल सके। मुझे लगता है यह वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी भरी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।